नमस्कार, मैं हंसराज वर्मा, स्टेट मेल टीवी पर सभी का स्वागत है। हरियाणा में पेंशन प्राप्त कर रहे बुजुर्गों के लिए बुरी खबर है। प्रदेश सरकार ने एक फैसले के तहत 4 लाख तक की सालाना आमदनी वाले करीब 15-16 हजार बुजुर्गों की सामाजिक पेंशन बंद कर दी है। इससे प्रभावित हुए लोगों में भारी रोष है। उनका कहना है कि सरकार उन्हें जबरदस्ती परेशान कर रही है। हालांकि प्रदेश सरकार का नियम है कि जिस दंपति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक है वह वृद्धावस्था पेंशन नहीं ले सकता, लेकिन राज्य में हजारों की संख्या में ऐसे दंपति हैं जो वृद्धावस्था पेंशन पा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर कोरोना पॉजिटिव हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक करीना ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उनके साथ उनकी सबसे बड़ी खास दोस्त अमृता अरोड़ा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हाल ही में करीना और अमृता अपने दोस्तों के साथ कई पार्टी में शामिल हुई थी। किसान आंदोलन के कारण बंद पड़े बस्ताड़ा टोल प्लाजा आज 354 दिनों बाद शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत किसानों ने रिबन काट कर की। अब जो भी वाहन दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग पर बस्ताड़ा से गुजरेगा उसे बढ़ा हुआ शुल्क अदा करने के बाद ही क्रॉसिंग मिलेगी। किसान आंदोलन के खत्म होने की घोषणा के बाद बस्ताड़ा टोल को शुरू करने के लिए टोल कंपनी एक्टिव हो गई है। भारतीय क्रिकेट टीम का साउथ अफ्रीका दौरा 26 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इस दौरे के लिए टीम इंडिया 16 दिसंबर को साउथ अफ्रीका की उड़ान भरेगी। इससे पहले टीम इंडिया को झटका लगा है। टेस्ट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा मुंबई में ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल हो गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ फतेहाबाद में हिसार सिरसा बाईपास पर 1 साल से चल रही लंगर सेवा कल समाप्त हो जाएगी। यह जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के हल्का प्रधान संदीप काजला ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांगों को मान लेने के बाद दिल्ली से किसान के लगभग सभी जत्थे घर वापसी कर चुके हैं। ऐसे में बाईपास पर चल रहे लंगर सेवा की समाप्ति की जा रही है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।